सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। एनकोरिल सिरप, आज जो हमारे पास एक सिरप है जिसके अंदर अमरोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, टर्बुटालिन सल्फेट एंड गुआफिनिसिन एंड मिथिनॉल डाला गया है। ये सनलाइफ के द्वारा बनाया जाता है। 100 ml का ये सिरप रहता है जिसका MRP 80 rupees रहता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और अल्टरनेट नेक्स्ट डे क्या लेने का है और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें वीडियो में मैं ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाऊंगा ताकि सनकोइल से सिरप के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सनकोइल सिरप जो कि एक कफ के लिए देता है और म्यूकस के लिए रहता है, ये एक एक्सपेक्टोरेंट सिरप है जिसके अंदर अमरोक्सिल 15 mg एंड 5 ml डाला गया, गुआफिनिसिन 15 mg एंड 5 ml डाला गया और टर्बुटालिन सल्फेट इसके अंदर 1.25 mg एंड 5 ml डाला गया और मिथिनॉल डाला गया। इन सब से बनाया गया ये सिरप है जो कि सनलाइफ के द्वारा बनाया जाता है, जो कि क्या करता है कि इफेक्टिवली ट्रीट करता है वेट कप को और म्यूकस को, और कप को निकालता है बच्चों के अंदर, ये हेल्प करता है, ये पतला कर देता है उस म्यूकस को जो कि वाटर के साथ इजीली निकल सकता है, ये थ्रोट पेन से रिलीफ देता है, क्लियर करता है कॉन्जेस्टेंस को और इजी से ब्रेथ लेने में हेल्प करता है बच्चे के अंदर। इसको यूज़ किया जाता है कप के लिए और म्यूकस के लिए यूज़ किया जाता है और ये ज़्यादा पिलाने से बच्चे को कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि सर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, पेट में गड़बड़ लग सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, रशेस हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सनकोइल सिरप को कैसे पिया जाता है कि इसको डॉक्टर की सलाह से पिलाना पड़ता है, डॉक्टर जब तक बोले तब तक इसको पिलाना पड़ता है, मेजर करके पिलाना पड़ता है, सीक्वेल करना पड़ता है, उसके बाद खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद और फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखा जाता है। तो सनकोइल सिरप क्या काम कैसे करता है, तो इसके अंदर कंटेंट डाला गया है, 4 कंटेंट डाला गया है, जैसे कि इसके अंदर पहला कंटेंट अमरोक्सिल जो कि एक म्यूकोलाइटिक है जो कि लूज कर देता है म्यूकस को, जो कि इजीली बाहर फेंकने में हेल्प करता है। गुआफिनिसिन इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है जो कि स्टिकीनेस को कम कर देता है, और टर्बुटालिन ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है जो कि वाइन रेज ऑफ म्यूकस को कम कर देता है, और मिथिनॉल जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है ताकि जो थ्रोट पेन वगैरह हो रहा तो वो कम हो जाता है, ऐसे काम करता है। तो इस सिरप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।